नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 11 अर्थशास्त्र विषय में आजे आपणे एक नवा चेप्टर की शुरुआत करवी छे। प्रकरण नंबर 4 पुरवठो सप्लाय, आ चेप्टर की आजे आपणे शुभ शुरुआत करशुं। 11th की शुरुआत में ज आपणे वात करी गया के अर्थशास्त्र में अनेक मूलभूत ख्यालों अनेक मूलभूत सिद्धांतों छे, जे पैकीना खूबज अगत्यना एवा बे ख्यालो छे मांग अने पुरवठो। आ मांग अने पुरवठो खूब अगत्यना ख्यालो छे। आ ख्यालोनी समझूती विना व्यक्ति अर्थशास्त्रीय विश्लेषण शक्ति प्राप्त करी शकतो नथी, एटले के अर्थशास्त्रनो ऊंडाणपूर्वकनो अभ्यास करी शकतो नथी। मांग विषे आपणे खूब डिटेल में चर्चा करी गया छे। आजे आपणे पुरवठा विषे चर्चा करवी छे कि आ पुरवठो शुं छे, सप्लाय शुं छे। चेप्टर नी शरूआत आपणे अमुक पायाना कॉन्सेप्ट थी करीए। याद राखो, उत्पादन जथ्थो अने पुरवठो एना विषेनी आपणे थोड़ीक समझ मेळवीए। आम जोवा जाए तो आपणे रोजिंदी लाइफमां, रोजिंदा जीवनमां उत्पादन, पुरवठो अने जथ्थो आ त्रणेय बाबतने एक गणीए छीए, पण अर्थशास्त्रनी परिभाषामां आ त्रणेयनो जुदो जुदो अर्थ छे। त्रणेयनो मीनिंग अलग अलग छे। उत्पादन, पुरवठो अने जथ्थो आ त्रणेय बाबत अर्थशास्त्रनी परिभाषामां अलग अलग छे। तमने बे मार्क में एवो एक क्वेश्चन पण पूछाशे के उत्पादन, पुरवठो अने जथ्थो एक बाबत नथी, समझावो, तो न्या आपणे आ त्रणेयनी व्याख्याओ लखवी पड़े, त्रणेयनी समझूती आपवी पड़े। अने छेले कहेवानुं के उत्पादन, पुरवठो अने जथ्थो एक बाबत नथी, अलग अलग बाबत छे, जेनी आपणने समझूती आ ख्यालो समझ्या पछी ज आवशे। तो सौथी पहेला उत्पादन कोने कहेवाय ए समझी लो। उत्पादन कोने कहेवाय, जो कोई एक उत्पादक पेढ़ी द्वारा चोक्कस समय दरमियान उत्पादित थयेल वस्तुओना एकमोनो समूह एटले कुल उत्पादन। कोई एक उत्पादक पेढ़ी द्वारा वर्ष दरमियान जे कई वस्तुओनु उत्पादन थयुं छे, कोई एक उत्पादक पेढ़ी द्वारा वर्ष दरमियान जे कई वस्तुओनु उत्पादन थयुं छे ए उत्पादित थयेली वस्तुओनो समूह एटले कुल उत्पादन। पुरवठो कोने कही छे एना विषेनी समझ मेळवीए। चोक्कस समये अने चोक्कस किंमते उत्पादक पेढ़ी उत्पादननो जेटलो भाग बजारमां वेचवानी इच्छा, शक्ति अने तैयारी दर्शावे एने पुरवठो कहेवाय। चोक्कस समये अने चोक्कस किंमते कोई उत्पादक पेढ़ी उत्पादननो जेटलो भाग उत्पादन थयुं छे एमांथी जेटलो भाग बजारमां वेचवानी इच्छा, शक्ति अने तैयारी दर्शावे एने पुरवठो कहेवाय। तो जथ्थो कोने कहेवाय? जथ्थो एटले वस्तुओना कुल वेचाणक्षम एकमोनो समूह। जथ्थो एटले वस्तुओना कुल वेचाणक्षम एकमोनो समूह, जेमा गोडाउनमां संग्रही राखेलो माल पण गणाई जाय अने बजारमां वेचवा माटे जे माल मूक्यो छे એ પણ ગણાઈ જાય, અને ગોડાઉનમાં જૂનો સ્ટોક પડ્યો હોય એ પણ જથ્થામાં ગણાઈ જાય સ્ટોક। આ ત્રણેય બાબતોને હજી વધારે વ્યવસ્થિત રીતે સમજવા માટે આપણે એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ। એક્ઝામ્પલને આધારે આપણે આ બાબતને ક્લિયર કરીએ એટલે વધારે તમને ખ્યાલ આવશે। કોઈ એક મોબાઈલ બનાવતી કંપની છે કે જેણે વર્ષ દરમિયાન 50,000 મોબાઈલનું ઉત્પાદન કર્યું,
तो आ वर्ष दरमियान कुल उत्पादन थी। आ शू थ वर्ष दरमियान कुल उत्पादन थी। कोई एक मोबाइल बनावती कंपनी ए वर्ष दरमियान 50,000 मोबाइल नु उत्पादन कर्युं छे तो ए कुल उत्पादन। हवे आ 50,000 मोबाइल मांथी 41,000 मोबाइल रुपया 3,000 नी किमते बजार मां वेचवा माटे मुक्या। मोबाइल बनावती उत्पादक पेढ़ीए 50,000 मोबाइल नू जे वर्ष दरमियान उत्पादन थयुं हतुं एमांथी 41,000 मोबाइल रुपया 3,000 नी किमते बजार मां वेचवा माटे मुकी दीधा। तो बजार मां वेचवा माटे जे काई मोबाइल मुकवामां आव्या ए शुं छे? ये पुरवठो छे। ये शू छे? पुरवठो छे। तो आपणे जथ्थो कोने गणशुं? हवे जो 50,000 मोबाइल मांथी 41,000 मोबाइल मार्केट में वेचवा माटे मूक्या छे। ए 41,000 मोबाइल ए पण वेचाणक्षम एकमो छे, वेचाणने पात्र ज एकमो छे, एनो पण जथ्थामां समावेश थई जाय। पछी 50,000 मोबाइलमांथी 41,000 मोबाइल बजारमां वेचवा माटे मूक्या छे એ પણ જથ્થામાં આવે, બાકીના જે 9,000 મોબાઈલ છે એ ગોડાઉનમાં સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો। બાકીના 9,000 મોબાઈલનો ગોડાઉનમાં સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો। તો 9,000 મોબાઈલ છે કે જે ગોડાઉનમાં સંગ્રહી રાખવામાં આવ્યા એ પણ જથ્થો છે, પ્લસ गोडाउन में अगौना वर्षना 10,000 मोबाइल नो स्टॉक पड़ो छे। अगौना वर्ष में जे उत्पादन थयुं हतुं एमानो 10,000 मोबाइल नो स्टॉक हजी गोडाउन में बीजो पड़ो छे, जूनो स्टॉक, एनो पण जथ्थामां समावेश थई जाय। गोडाउन में पड़ी रहेलो जूनो स्टॉक 10,000 मोबाइल नो एनो पण जथ्थामां समावेश थाय, ए पण वेचाणक्षम एकमो ज कहेवाय। आनु पण गमे त्यारे वेचाण थई शकशे। एटले अहीं जथ्थामां 41,000 ने 9,000 एटले 50,000 प्लस 10,000 नो जूनो स्टॉक एटले 60,000 मोबाइल नो जथ्थो गणाय। तो एक्जाम्पल समझ्या पछी तमने क्लियर कट थई गयुं हशे के उत्पादन, पुरवठो अने जथ्थो आ त्रणेयमां शुं भेद छे, आ त्रणेयमां शुं तफावत छे। फरीथी आपणे रिपीट करी लईए। उत्पादन एटले कोई एक उत्पादक पेढ़ी द्वारा चोक्कस समयगाड़ा दरमियान उत्पादित थयेली वस्तुओना एकमोना समूहने कुल उत्पादन कहेवाय। उत्पादननी प्रक्रियामां तमने ख्याल छे, एक वस्तुनुं बीजी वस्तुमां रूपांतर करवामां आवे छे, एक वस्तुना तृष्टिगुणमां उपयोगिताना गुणमां वधारो करवामां आवे छे अने ई रीते बीजी वस्तु निर्माण पामे छे। लाकडामांथी फर्निचर बनाववुं तो ये उत्पादन छे, लाकड़ामां उपयोगितानो गुण उमेरवा ये उत्पादन छे। लाकड़ामांथी खुर्शी बने तो लाकड़ामांथी ज खुर्शी बनी छे, पण खुर्शीमां उपयोगितानो गुण उमेराई गयो तो आ प्रक्रियाने आपणे उत्पादन कही छे। एटले कोई एक उत्पादक पेढ़ी द्वारा चोक्कस समयगाळा दरमियान उत्पादित थयेली वस्तुओना एकमोनो समूह एटले कुल उत्पादन, ज्यारे पुरवठो एटले चोक्कस समये अने चोक्कस किंमते उत्पादक पेढ़ी उत्पादननो जेटलो भाग मार्केटमां वेचवा माटे मूके छे, मार्केटमां वेचवा माटेनी इच्छा शक्ति अने तैयारी दर्शावे छे एने पुरवठो कहेवाय। अने जथ्थो एटले कुल वेचाणक्षम एकमोनो समूह। अने कुल वेचाणक्षम एकमोना समूहमां कई कई बाबतनो समावेश थाय छे? तो के मार्केटमां जे माल वेचवा माटे मूक्यो होय ए पण जथ्थामां गणाई जाय, गोडाउनमां जे माल संग्रही राख्यो छे ए पण जथ्थामां गणाई जाय, गोडाउनमां जे जूनो स्टॉक पड्यो छे ग्या वर्षनो ए पण जथ्थामां गणाई जाय। आ तमाम वेचाणक्षम एकमोनो समूह ए जथ्थो छे। एक्जाम्पल जोयुं आपणे मोबाइल बनावती कंपनीनुं के 50,000 मोबाइलनुं वर्ष दरमियान
मोबाइल बनावती कंपनीए उत्पादन कर्युं तो कुल उत्पादन 50,000 मोबाइल नुं। आ 50,000 मोबाइल मांथी 41,000 मोबाइल रूपया 3,000 नी किंमते मार्केट में वेचवा माटे मूक्या तो ए पुरवठो छे। ज्यारे जथ्थो एटले 41,000 मोबाइल मार्केट में वेचवा माटे मूक्या ते प्लस 9,000 मोबाइल गोडाउन में संग्रह करी राखवामां आव्यो ते प्लस 10,000 मोबाइल नो जूनो स्टॉक गया वर्षनो पड्यो तो ए आ बधाय वेचाणक्षम एकमोनो समूह 60,000 मोबाइल ए जथ्थो छे। तो अहीं पुरवठा चेप्टरनी जे शुरुआत करीए छीए मां सौथी पहेला तमारे आ त्रणेय बाबतोने व्यवस्थित क्लियर समझी लेवी जरूरी छे। हवे पछी आपणे प्रश्न नंबर एक नी शुरुआत करशुं। प्रश्न नंबर एक, पुरवठानो अर्थ आपी पुरवठाने असर करनारा परिबळो विशेनी समझूती आपो, एना विशेनी हवे आपणे चर्चा करवानी छे।